यदि ऐसा है तो निकटतम चिकित्सा सुविधा को रिपोर्ट करें, घबराए नहीं, ठीक है। यदि ऐसा लक्षण पाया जाता है तो अपना डॉक्टर से मिलिए, सरकारी डॉक्टर से, ऐसा नहीं कि इधर उधर सरकारी पीएससी जो है वहाँ पे मिले। एक नंबर दिए हैं 104 पे भी डायल कर सकते हैं आप। स्वास्थ्य केंद्र में जाकर चिकित्सक की सलाह लीजिए, वहीं तय करेंगे आपको 2019 कोरोना वायरस के टेस्ट की जरूरत है या नहीं। यह इस पर भी निर्भर करेगा आप चाइना या अन्य देश गए थे, यहाँ यह रोग फैला है, या फिर आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं अथवा नहीं। चाइना में फैला हुआ है, उसका पड़ोसी देश है नेपाल। नेपाल हो सकता है कि वहाँ भी समाचार पत्र में आया है कि वहाँ भी कुछ संक्रमित हुए हैं, तो संक्रमण फैल रहा है। तो इसके बचाव के लिए जो जो आपको बताया गया है, कम से कम आवागमन करें, बॉर्डर कम से कम, चूंकि खुला बॉर्डर है यहाँ पे खुला बॉर्डर रहता है, तो कम से कम जाए बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल की तरफ, कम से कम जाए। यदि हो सके तो महीना भर के लिए, 20 दिन के लिए आप रोक दें बॉर्डर जाना, उधर जाना, इसी में भलाई है। मतलब कि अपने आप को साफ सफाई रखें, वायरस है, वायरस 80% 90% आप यदि स्वच्छ रहिएगा, डेली का नहाना, शौच के बाद साबुन से हाथ धोना, खाने से पहले हाथ धोना, आसपास में स्वच्छता रखना, या बच्चे को मतलब कि स्वच्छ रखना, ये सब चीज है। खुद के स्वास्थ्य की निगरानी करें, अपना देखभाल की करना है, कहीं कुछ हो गया तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, वो स्वस्थ होने पर चिकित्सक की सलाह लें। जैसे ही बीमार पड़े सबसे पहला लक्षण आपका काम होगा आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, हो सकता है कोई आदमी गया हो फिर वहाँ से नेपाल से यहाँ आया हो सकता है वो वायरस उसमें आ गया हो, उसके कारण आपके यहाँ बीमारी फैला हो या वैसा कुछ लक्षण दिखाई पड़ रहा हो। तो बॉर्डर एरिया में यदि ऐसा कुछ दिखाई पड़े, सबसे पहले आप चिकित्सक से सलाह लें, डॉक्टर से मिलें, आप अपना जाँच करवाएं।